कारवां टीवी हर पल आपके साथ। और उसके साथी ने कांस्टेबल की जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद दर्ज किया गया केस। द्वारका डीसी संतोष कुमार मीणा के अनुसार अभी तक छानबीन में ये पता चला है कि वीडियो 1 अप्रैल का है। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल तीनों आरोपी फरार हैं। उत्तम नगर के ओम विहार में एक जिम के अंदर पुलिस कर्मी की बुरी तरह पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों में रिंकू गुप्ता, अश्वनी और काकू शामिल हैं। इतना ही नहीं, रिंकू गुप्ता के भाई संजय गुप्ता को मिली पीएसओ सुविधा को भी पुलिस ने वापस ले लिया है। द्वारका डीसीपी संतोष कुमार मीणा के अनुसार अभी तक की छानबीन में ये पता चला है कि वीडियो 1 अप्रैल का है। वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। पुलिस की कई टीमें इनकी तलाश में विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर रही हैं। टीमें मेरठ के अलावा गुरुग्राम में भी आरोपियों की संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर पुलिस कर्मी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, इस पर अधिकारी कुछ कहने को तैयार नहीं है। बुधवार शाम को ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में रिंकू गुप्ता नाम का एक युवक वर्दी पहने एक पुलिसकर्मी को पीटता दिखाई दे रहा है। रिंकू बॉडी बिल्डर है और ये एक जिम चलाता है। रिंकू गुप्ता के अलावा एक और शख्स वीडियो में सुशील भी पीट रहा है। वीडियो में एक और पुलिसकर्मी भी बीच बचाव करता दिखाई दे रहा है, लेकिन पीटने वाले दोनों लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। दोनों लोग कांस्टेबल को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं। जांच में सामने आया है ये कांस्टेबल बाबा हरिदास नगर थाने में तैनात है। वीडियो की भाषा काफी आपत्तिजनक है। कांस्टेबल भी इस वीडियो में कहता नजर आ रहा है, गुरुजी ये सही नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार कांस्टेबल सुशील कुछ महीने पहले रिंकू गुप्ता के भाई संजय गुप्ता की सुरक्षा में तैनात था। कुछ महीने पहले ही उसका तबादला कर दिया गया। इस समय सुशील बाबा हरिदास नगर थाने में तैनात है। वहीं वीडियो में दिख रहा दूसरा पुलिसकर्मी संजय गुप्ता का मौजूदा पीएसओ बताया जा रहा है। वीडियो में सुशील नशे की हालत में दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन पुलिस के अनुसार कमेटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। सवाल ये है कि सुशील वर्दी में उत्तम नगर थाना क्षेत्र में रिंकू से अधिकारी तौर पर मिलने आया था या उससे कुछ पर्सनल काम था। वर्दी में नशे की हालत में होने को लेकर भी सुशील पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं संजय का मौजूदा सुरक्षा कर्मी उसके भाई रिंकू के पास क्यों आया था, ये बात भी जांच का विषय है। वहीं इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद भी सुशील ने इसकी शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की, इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। कारवां टीवी के लिए दिल्ली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।